दोस्तों, इसको जब हम इसको कार्विंग कर रहे थे, इसको खोद रहे थे, तो ये पत्थर यहाँ से ऐसा टूट चुका था। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में फ्रेंड्स, हम अपना एक बोनसाई का पौधा दिखा रहे हैं और इसको हमने लगभग 2 साल से तैयार हम कर रहे हैं। ये 6-7 महीना हो गया इस पॉट में हमने इसको लगाया है और इसको साल भर से हम तैयार कर रहे थे एक बड़ा सा पॉट में लगा के। अब ये जो पॉट देख रहे हैं, ये पत्थर का है दोस्तों। ये रोड के किनारे से हम इसको पत्थर को उठा के लाए हैं और इस पत्थर को हमने यहाँ से ट्रिम किया है, इसको खोदा है। दोस्तों, इसको जब हम इसको कार्विंग कर रहे थे, इसको खोद रहे थे, तो ये पत्थर यहाँ से ऐसा टूट चुका था। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सीमेंट वर्क है, सीमेंट से हमने इसको बना के इसको पेंट किया है, इससे मिलता जुलता। और हम और पत्थर बनाने का काम करते हैं, सीमेंट वर्क है हमारा, सीमेंट से और भी पत्थर बनाते हैं दोस्तों। तो हमारा यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा कि हम पत्थर कैसे बनाते हैं। अभी हम धीरे धीरे और भी अपलोड कर रहे हैं पत्थर बनाने का ट्रिक। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि बोनसाई का कुछ टिप्स आप लोग। तो बोनसाई का सबसे पहला स्टेज होता है कि सबसे पहले आप इसको जब भी आप पौधा लाते हैं तो एक बड़ा सा बकेट में लगाइएगा। सबसे पहला काम होगा उसका रूट डेवलप करना। सबसे पहले हम उसका रूट को डेवलप करेंगे, उसके बाद ही ब्रांच पे ध्यान देंगे। तो जब भी आप पॉट में लगाए रखें बड़ा सा पॉट में, तो उसका ब्रांच पे आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं जब लाया था तो यहाँ से जब कटिंग किया तो 2 शाखा निकला है, 4 शाखा निकला है। ऐसे करते करते ब्रांच पे भी हम फोकस करते जाएंगे और समय देखते देखते इसका पत्ती को भी हम प्रून करते चलेंगे। जैसे जैसे बड़े पत्ती को हम हटाते चलेंगे तो पत्ती का साइज छोटा होता जाएगा। और बोनसाई में छोटे पत्ती वाले पौधे ही बहुत सुंदर दिखते हैं और एक ओरिजिनल जो बड़ा ट्री का रूप जो दिखाना है, बोना पौधा जो बनाना है, अगर छोटा पत्ती हो तो तभी सुंदर लगेगा। तो हम इसका अभी प्रून करेंगे, सारे बड़े पत्ती को हटाएंगे, जिससे पत्ती को हटाने से और होता है ये दोस्तों कि इसका ट्रंक का साइज मोटा होता जाएगा, क्योंकि ये इसको एनर्जी जो सारा एनर्जी पत्ती ले लेता है। तो कम पत्ती रहेंगे तो इसका ट्रंक ऑटोमेटिक मोटा होता जाएगा और पत्ती का साइज भी ट्रिम करने से छोटा होता जाएगा। तो आज हम ट्रिम करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े इसके लिप थे हमने सारे हटा दिए हैं। अब ब्रांच पे हम फोकस करते हैं कि कौन सा ब्रांच को कटिंग करने की जरूरत पड़ेगा या नहीं। तो अभी कुछ कुछ ब्रांच है जिसको हम कटिंग कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है। ये वाली ब्रांच, इसको हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ से 2 और शाखा निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा ब्रांच हुआ है और मोटा हुआ है उसी को आप कटिंग करेंगे, बाकी जो नाजुक प्लांट है, सॉफ्ट है, उसको हम कटिंग नहीं करेंगे, वो मरने का चांस हो सकता है। तो फिलहाल हम इतना ही अभी ब्रांच कटिंग करेंगे और इसमें हम फंगीसाइड लगा देंगे जिससे खराब नहीं होगा। हम फंगीसाइड लगा दे रहे हैं। अगर आप सही समय में अगर प्रूनिंग करते रहें और ब्रांच अगर काटते रहें, शेप देते रहें, तो वाकई आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सही समय में आप ब्रांच कटिंग करते रहेंगे तो शेप ऑटोमेटिक वो बनता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा, हमारा टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो मिलता रहे। और भी हम अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लेते आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।